सो मेरे भाई लोग का हालचाल बा। तो गाइज आज हम कुछ इस टाइप का फोटो एडिटिंग करने वाले हैं जो कि आप डिस्प्ले में देख सकते हैं गाइज कितना ज़्यादा खूंखार लागत बा फोटो हुआ। तो आज हम कुछ इस टाइप का एडिटिंग करेंगे जो कि इतना ही खूंखार बनावे के बाद फोटो हुआ के और आपके इतना अच्छा तरह समझाएं कि आप सोच भी ना सकेंगे। ठीक है, हम हिंदी भोजपुरी दोनों बोलेंगे ताकि जो आपको अच्छा लगे वो आप देखिए बट सब कुछ देखिए। ठीक है, चलिए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं गाइज। और आप देख सकते हैं गाइज फोटो कितना ज़्यादा खूंखार यानी कि डेंजर लग रहा है फोटो। तो आज हम कुछ इसी टाइप का एडिटिंग सिखाएं ये वीडियो में। और गाइज आप लोग के लागत होगी कि वीडियो बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी बट ऐसा बात नहीं है गाइज कि हम वीडियो में इतना खतरनाक खतरनाक ट्रिक बतावे अली बानी कि आप लोग सोच ना सके मिले। ठीक है, तो चलिए लो वीडियो को स्टार्ट कर लिया जाता और एक बात देखिए लो कुछ हमने के ए टाइप के फोटो क्लिक कर ले अपना मोबाइल या अपना DSLR के सहायता से। सो इस तरह शूट हमको कर लेना है फोटो को। और गाइज शूट करने के बाद हमको क्या करना है देखिए, शूट करने के बाद कुछ हमको स्नैपशीट के यूज कर लेवे के बाद। आप लोग को पता है कि स्नैपशीट में एक ऑप्शन बा सिलेक्टिव के, तो सिलेक्टिव में जाकर हमने गौर कर लेवे के बाद जहाँ करिया बा और करिए उसका बाद क्या करें हमने के फोटो को स्मूथ कर लेवे के बाद। और स्मूथ करने के बाद चलिए हम आगे का प्रोसेस आप लोग को बतावता नहीं तो हम हिंदी में बोलता नहीं। ठीक, ताकि आप लोग को अच्छा तरह समझ में आए क्योंकि भोजपुरी बहुत आदमी को समझ में ना आएगा। चलिए हम हिंदी बोलता नहीं और आपके बतावता नहीं। तो देखिए सबसे पहले आपको मान लीजिए मेरा फोटो है बिना एडिटिंग वाला यानी कि इसी को हम बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसको कटआउट कर लेंगे फोटो रूम से। चलिए हम कटआउट कर लेते हैं। तो देखिए उसके बाद हमको क्या करना है, नेट को चालू कर देना है और हमको फोटो रूम में फोटो को शेयर कर देना है। ठीक है, आपको पता होगा फोटो रूम से बैकग्राउंड कटआउट करते हैं गाइज। और एक बात गाइज आज मैं इतना आराम से समझाऊंगा जितना मैं अभी तक किसी वीडियो में नहीं समझाया हूं, यानी कि हर एक चीज़ जो भी होता है आपको डिटेल में बताऊंगा किससे क्या होता है क्या नहीं होता है। देखिए गाइज इससे हम बैकग्राउंड कटआउट कर सकते हैं, इससे ब्लर कर सकते हैं, बहुत सारा कुछ कर सकते हैं फोटो रूम एप्लीकेशन से। तो देखिए गाइज इतना हो जाने के बाद हमको इतना सारा ऑप्शन आएगा तो आपको जो ये तीन नंबर ऑप्शन है थ्री नंबर ये वाला ट्रांसपेरेंट का हम इस पर क्लिक कर देंगे। और इस पर क्लिक करने के बाद देखिए ये कटआउट वाला है यानी कि उसके बाद हमको ऊपर एक डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से हमको डाउनलोड कर लेना है। इससे क्या होगा बैकग्राउंड कटआउट होकर फोटो सेव हो जाएगा। तो देखिए सेव टू गैलरी नीचे लिखा है तो हम इस पर क्लिक करके आपको दिखा देते हैं किस तरह कटआउट हुआ है हमारा। देखिए एकदम प्रोफेशनल तरीके से कटआउट होता है यानी कि केनो कुछ ना बचल है। ठीक बा, आप लोग समझ सके नहीं लो हम क्या कह चाहते हैं। तो देखिए लो कितना मस्त तरीके से कटआउट हो चुका है। एंड आप लोगों से पहले ही हम बताइए बने कि हम भोजपुरी एंड हिंदी दोनों मिला के वीडियो बनाएं ताकि आप लोगों को पूरा एडिटिंग सिखा सकी। कैसे कि बहुत लोग हिंदी ना बुझाला और बहुत लोग के भोजपुरी ना बुझाला, ऐसे हम हिंदी भोजपुरी दोनों मिक्स करके वीडियो बनाते हैं। तो देखिएगा उसके बाद हमको क्या करना है, सबसे पहले आपको बैकग्राउंड और जितना भी PNG सारा प्रीसेट का लिंक होगा उस सब का लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो को डिस्क्रिप्शन में। एंड जिसको भी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड करना नहीं आता है वो लोग टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हैं। दो तीन घंटा लेट से डालता हूँ टेलीग्राम पे बट आप लोग को डालता जरूर। ठीक है, तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को आप बता देते हैं क्या करना है। उसके बाद देखिएगा आपको एक बैकग्राउंड मिल जाएगा, ये वाला बैकग्राउंड देखिए, ये वाला बैकग्राउंड आपको डाउनलोड कर लेना है और इसको ले चलना है कहाँ पे PicsArt में, यानी कि आप लोगों को PicsArt में ले चले बैकग्राउंड के। तो देखिए लो हम किस तरह बैकग्राउंड के लिए चलते हैं PicsArt में। तो हमने ये कुछ इस तरह PicsArt में शेयर कर दिया। देखिए PicsArt में हमने के बैकग्राउंड आ चुका बा, अब कुछ नहीं करेंगे। नीचे इतना सारा ऑप्शन बात हमने के ऐड फोटो पे जाना जाए के बाद यानी कि ऐड फोटो पे जाना है और अपना जो भी फोटो है फोटो नहीं ले रहा है हमको, ये जो एक स्काई वाला है इसको हमको ले लेना है। देखिए इसको लेने के बाद हम क्या करना है पूरा जूमिंग करके इस तरह हमने ऊपर आया तरह बैठा लेगा भाई, यानी कि जमीन के अलावा ऊपर हमने पूरा सेट कर लेगा। देखिए कितना मस्त तरीके से सेट यानी कि जमीन पर दिखाई देवे के चाहिए और ऊपर आसमान में हमने फिक्स कर लेवे के बाद फिर हमने के ऊपर से सही कर लेवे को गाइज। ठीक है, देखिए इतना काम हो जाने के बाद हमको फिर आपको एक और मिल जाएगा, कौन सा मिलेगा आपको, आपको ये वाला मिल जाएगा आग वाला। अब बोलिएगा भाई ये कहाँ पे लगाना है, तो देखिए एक कहीं पे लगावे कि नहीं कही हमने क्या करके बाद जमीनी पे लगाओ पा। तो खाती हमने क्या करें पूरा जूम करके एक दोनों साइड बराबर बैठा लेंगे। देखिए कितना मस्त बैठ चुका, हम नीचे आराम से लेकर जमीन में सटा दो एक बार इतना सटेले बार क्या करके ऊपर से बिंदुआ जन बाबा ऊपर से क्लिक करके सॉरी यानी जूम करके तब से क्लिक करके दिखाओ तो नहीं देखिए इतना जूम करके कुछ क्या करेगा इतना इतना बैठा लेवे को फिर इरेज पे जाएगा हमने के और ऊपर जो ये बाबा आई एक हमने के ओपसिटिया कम करके और हमके इरेज खूब मस्त तरीके से कर लेगा ताकि देखने में सच में रियल लगे ताकि कोनो बंदो कह सा ना कि भाई डुप्लीकेट लागल बा। तो इतना काम कर लेने के बाद हमको सही कर लेवे को देखिए फिर इतना सही करने के बाद हमको क्या करना है हमको फिर क्या करना है अपना जो PNG है यानी कि ई वाला PNG हमके दहिया वाला इस PNG को लेना है और कुछ हमको क्या करना है क्रॉप पे जाना है और इधर से क्रॉप यानी कि हमको बस साइड से जितना भी एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हमको हटा देना है ऊपर से क्रॉप और हे साइड से क्रॉप
कर देना है हम लोगों को। एंड गाइज हम कुछ इस तरह बैठा देंगे यहाँ पे, देखिए फिर इरेज पे जाएंगे कुछ, हमको इसको भी इरेज कर देना है। देखिए कितना मस्त लग रहा है। अब हम क्या करेंगे, आपको एक पीएनजी मिल जाएगा पंख का, ये वाला पीएनजी को लेना है और इसको पूरा जूमिंग कर लेना है, यानी कि पूरा इस तरह जूमिंग कर लेना है। और गाइज आप सोच रहे होंगे कि ऊपर आ गया तो इसको नीचे किस तरह करना है, देखिए नीचे करने के लिए हमको जाएंगे इस वाले ऑप्शन पर और बीच में लिखा हुआ है मूव डाउन, हम इस पर क्लिक करेंगे। सो आप लोग देख सकते हैं कितना मस्त तरीके से ये बैठ चुकल बा और दहिया का अपने हिसाब से बैठा ले हम लोग, देखिए कितना मस्त बैठ चुकल बा। ओके बाद क्या करेगा हमने के आप मन जाएगा ऐड फोटो पे और कुछ बहुत सारा पीएनजी मिल जाए तो सबसे पहले हमने के ई वाला पीएनजी के लेवे के बाद और कुछ लेवे के बाद क्या करेगा हमने के प्लस करके जूमिंग करके इस तरह हमने के यानी कि हमने के अपने दहिया पे हाथवा पे बैठ जाके चिपका लेवे के बाद कुछ इस तरह। तो या तो चिपक चुका है और उसके बाद हम इस हाथ पे लगा लेंगे इसको, यानी फील कर देना है इसको अपने हाथ पे खूब मस्त तरीके से सजा देना है ताकि लगे हम पहने हैं, ठीक है इसको। फिर इरेज पे जाकर ये एक्स्ट्रा पार्ट को हम इरेज कर देंगे एंड इसको भी हम इरेज कर देंगे। सो गाइस देखिए कितना मस्त ये हो चुका है। फिर आपको और भी एक पीएनजी मिल जाएगा जो हाथ में जो बोलते हैं खंजर टाइप का, ये वाला पीएनजी आपको लेना है और लेने के बाद क्या करना है इसको फिर प्लस करके और फिर जूमिंग करके कुछ हमने के कुछ हेतर इतना पे फिक्स कर लिया हुआ यानी कि इतना पे सॉरी गाइज हमको फिर इस पर क्लिक करके इरेज पे जाएगा हुआ ऊपर एक ऑप्शन है इरेज के और क्या करेगा हमने के पूरा इन्वेट कर देगा फिर हम कुछ इस तरह ऊपर से हमको कुछ इस तरह भलावा के निकाल देगा ऊपर की तरफ यानी कि लगे कि हाथ में हुआ भलावा खंजारा जो भी आप कहें लोग। तो देखिए लोग कितना मस्त तरीके से बैठ चुका हुआ, फिर हमने कुछ नीचे निकाल देगा ताकि इन डुप्लीकेट ना लगे। देखिए गाइज कितना मस्त बैठ चुका हुआ, फिर हमने के कुछ सही कर लेंगे इतना, देखिए इतना काम तो हो चुका बा। फिर आपके एक और पीएनजी मिल जाए, कौन सा पीएनजी, ई वाला पीएनजी के ले लेगा बा और ऐड करेगा बा और कुछ हमके क्या करेगा बा ब्लेंड पे जाने के बाद हम स्क्रीन पे कर लेगा और कुछ हमको इस तरह लगा देना है नीचे और इरेज पे जाने के बाद कुछ हमको साइज की ज़्यादा करके ऊपर इरेज कर लेगा यानी कि नीचे बस पैर पर दिखाई दे दिखा देगा, ठीक बैठे फिर हमें सही कलम जाए। देखिए इतना काम तो हो चुका है, फिर हमें कुछ अपना सिंघिया लगा हुआ ताकि फोटो का डेंजर लगे देखे में, तो हम जाएंगे सिंह पे और गाइज और बताते हैं अभी आपको। देखिए गाइज मेरा फ़ोन लेक कर रहा है, ठीक है तो कुछ हम सिंह पे जाएंगे और कुछ हमको सिंघिया को कुछ इस तरह लगा लेना है, देखिए इस तरह। फिर हम कुछ इरेज पे जाएंगे और बीच वाले को जो लगे कि हमारे केसिया से निकला है बाहर यानी कि हमारा हेयर जो है उससे बाहर निकला हुआ है, कुछ हमको इस तरह बैठा लेना है। फिर हम इसको क्या करेंगे एडजस्ट पे जाएंगे और इसको पूरा हमको ब्लैक कर देना है, देखिए और इसको भी लो कर देना है और क्लैरिटी को हाई कर देना है, देखिए इतना काम करना है। फिर इसको रोटेट कुछ कर देना है इतना पे। सो गाइस देखिए कितना मस्त लग चुका है। फिर क्या करेंगे, आपको आग का पीएनजी मिल जाएगा, उस वाले पीएनजी को भी ले लेना है और लेने के बाद क्या करना है हमको जाना है ब्लेंड वाले ऑप्शन पर और स्क्रीन कर लेना है। फिर हमको कुछ इस तरह हमको कुछ इतना पे बैठा लेना है, देखिए इतना पे। फिर हम इसको डुप्लीकेट करेंगे और नीचे एक ऑप्शन है फ्लिप का, इस पे जाकर हम फ्लिप कर लेंगे। फिर इसको हम कुछ इस साइड बैठा लेंगे, देखिए इतना काम हो जाने के बाद देखिए अभी प्रोफेशनल तरीके से बैठा लेते हैं इसको। देखिए इतना बैठाने के बाद क्या करेंगे हम, फिर इसको ज़्यादा छोटा कर लेते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं रखेंगे। फिर हम ऐड फोटो पर जाएंगे एंड आपको एक धुआं का पीएनजी मिल जाएगा यानी कि स्मोक का पीएनजी, इसको लेंगे और फिर हम क्या करेंगे ब्लेंड पर जाएंगे स्क्रीन कर लेंगे और कुछ हमको धुआं का पीएनजी को यहाँ पर लगाएंगे और डुप्लीकेट करके कुछ यहाँ पे लगा लेंगे। सो गाइस देखिए कितना प्रोफेशनल लग रहा है। फिर हमको क्या करना है, आपको एक और पीएनजी मिल जाएगा, आपको सर्च करना है क्या स्नेक है। देखिए आपको सबसे पहले स्नेक सर्च करना है और बहुत नीचे आपको जाना होगा, ठीक है क्योंकि बहुत मुश्किल से मिलता है। तो चलिए देखिए, चलिए कोई बात नहीं, हम कोई भी लगा लेते हैं, चलिए इसी को लगा लेते हैं, ठीक है। देखिए इसको कुछ लगाने के बाद क्या करना है हमको, कुछ हमको देखिए हमको कुछ अच्छे तरह से बैठा देना यानी कि लगे से आप हाथ में है, ठीक है कुछ इस तरह करेंगे और क्या करना है हमको सबसे पहले इन्वेट करेंगे और साफ को इधर से निकालेंगे फिर इतना पे फिर रीस्टॉप जाने। देखिए यानी कि आपको आप समझ सकते हैं, आप ये बैठा सकते हैं, मैं जानता हूँ आप लोगों के पास इतना तो क्षमता है कि आप इसको बैठा सकते हैं, तो आपको इसको साफ को आराम से इसको हाथ में लपटिया देना है जिससे लगे ये सही रियल है, ठीक है। देखिएगा कितना मस्त ये लगना स्टार्ट हो चुका है। फिर हम इसको क्या करेंगे और भी अच्छे तरह से इसको बैठा लेते हैं ताकि फोटो हमारा एकदम रियल लगे देखने में। देखिएगा अगर आप और नीचे बहुत नीचे जाएगा तो आप मेरा वाला सही का पीएनजी मिल जाएगा, ठीक है जो मैं लगाया हूँ वो वाला पीएनजी मिल जाएगा। देखिए इतना काम हो जाने के बाद क्या करना है, आपको जाना है क्रॉप वाले ऑप्शन पर और गाइज आपको पता है कि इसे फोटो देखने में अमेजिंग लगेगा।
फिर आपको और बहुत सारा पीएनजी मिल जाएगा, उसको चलिए हम लगा लेते हैं कटफट का। तो उसके लिए आपको बताया कि सारा पीएनजी आपको टेलीग्राम और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए हम पीएनजी देख लेते हैं कहाँ पे हमारा पीएनजी है, फिर लगाते हैं वो वाला पिकसार्ट कहाँ गया हमारा। देखिए हमको पिकसार्ट में आना है एंड इसी यही पे हमारा पीएनजी, देखिए सब पीएनजी यही पे रखा हुआ है। कुछ हमको इसको ले लेना है और लेने के बाद क्या करना है, सबसे पहले क्रॉस वाला जो पीएनजी है इसको हमको गर्दन पर लगाना है, देखिए यहाँ पे, और ऑप्सिटी को कम कर देना है। देखिए इसको गर्दन पर लगाएंगे, फिर इसको लेंगे तो इसको कुछ यहाँ पे लगा लेंगे। देखिए देखिए हमको इसको यहाँ पे लगा लेंगे, फिर इसको लेंगे तो इसको, देखिए इसको हम कुछ यहाँ पे लगा कर ऑप्सिटी को डाउन कर देंगे। देखिए देखिए कितना ओपी लग रहा है। फिर आपको और भी पीएनजी आपको क्या किस तरह मिलेगा, टैटू सबका पीएनजी, उसके लिए देखिए हम सर्च करेंगे टैटू। देखिए आपको टैटू सर्च करना है एंड गाइज बहुत सारा पीएनजी मिल जाएगा, तो आप लोग जो भी चाहते हैं वो लगा सकते हैं। तो मैं अपने हिसाब से लगा लेता हूँ जो चाहता हूँ। देखिए आप ये नहीं कि जो मैं लगाऊंगा वही आप लगाइएगा, आप अपने हिसाब से कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम इस वाले जो डॉगी होगी जो भी है हम इसको यहाँ पर कुछ लगाएंगे। देखिए देखिए यहाँ पर लगाएंगे और इसको ऑप्सिटी को कम कर देंगे। देखिए कितना ओपी लग रहा है। सो गाइज यार इतना काम करने के बाद आपको एक और काम करना है, एक जो ओट है हमारा वहाँ से ब्लड गिराना है। तो ब्लड सर्च करेंगे आने के बाद यहाँ पे, और एक ब्लड मिलेगा इस वाले ब्लड को ले लेना है, फिर इसको पूरा छोटा करके हमको अपने इस वाले ओट पे लगा लेना है। देखिए यहाँ पे और इरेज पे जाने के बाद हमको कुछ इस सबको इरेज कर लेना है, ठीक है, ताकि फोटो हमारा कभी भी अमेजिंग लगे दिखने में। सो गाइस देखिए कुछ हमने के इतने लगा ले। और एक बात, अगर आप लोग को भोजपुरी में वीडियो चाहिए तो बस आप लोग कमेंट करें हम लोग, और जितना आदमी हमने के हमारे को सपोर्ट करें लाइव यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे वह लोग के हम भी सपोर्ट करें, ठीक है। बस सपोर्ट कर लो डेली, हम भी फॉलो बैक दे दें आप लोगों के, और डेली हर एक पोस्ट सपोर्ट जितना जितने हो सके उतने सपोर्ट करें। बस आप लोग भी सपोर्ट करिए, हम भी सपोर्ट करें, इस तरह का हुई आप भी आगे तक जाए और हम भी आगे तक जाए। तो देखिए लोग इतना काम हो गई बाबे, फिर क्या करेगा हमने के कुछ जाए बाबे ड्रॉ वाला ऑप्शन पे, कैसे कि यहाँ से फोटो हम सेव करें हम लोग तो बहुत एच डी में फोटो सेव हो, तो सेव इमेज पे क्लिक करके हमने के फोटो को सेव कर लेंगे एक बार। देखिए लोग कितना मस्त फोटो सेव हो चुकल बा, हम दिखाओ तो नहीं आप लोगों के। देखिए लोग कितना मस्त ई फोटो बना है हमने के, देखिए ई लो फोटो ई फोटो हमने कहा कितना एच डी में फोटो हमने के बन चुकल बा। फिर क्या करेगा हमने ए फोटो वह हमने के ले चले लाइट रूम में। देखिए लो लास्ट प्रोसेस है जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड होने वाला हुआ। और एक बात, अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनलों का सब्सक्राइब नहीं किए पहले तो सब्सक्राइब कर लें लोग, और लाइक भी कर दें लोग, ताकि हमके अच्छा लगे और आगे से वीडियो बहुत मज़ेदार वाला आए, ठीक। और ऐसे ही कॉमेडी फनी तरह से हम बोलें आप लोग के समझाएं। तो उसके बाद देखिए लोग क्या करेगा, आप लोगों के एक प्रीसेट मिल जाएगा, ये वाला प्रीसेट वो मिल जाएगी आप लोगों के डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड कर लेवे एक बार, ठीक है। और फिर क्या करना है हम लोगों को, इस पे जाना है थ्री डॉट पे, और कॉपी सेटिंग पे जाने के बाद कुछ इस पे क्लिक करके हमको सही कर लेना है। फिर यानी कि सेटिंग में कॉपी हो चुकल बा, जो कि आप लोगों को पता बा। फिर देखिए हमने के अपना फोटो पे आवे के बाद फिर हमके तीन को बिंदुओं पे जाए के बाद, और नीचे एक ऑप्शन बा पेस्ट सेटिंग लिखल बा, हम लोग पे जाकर पेस्ट कर देवे बस। सो आप लोग देखा था नहीं लोग कितना हार्ड बन चुकल बा फोटो हमारे हम लोगों का, तो आप लोग अपने हिसाब से देखिए कितना मस्त लगा था फोटो हमने के। तो आप लोग भी इतना फोटो बनाइए और क्या कीजिए, हमको अमित एडिटिंग मेरा आईडी का नाम है, और जाइए और मेंशन कीजिए और मैं भी आपको मेंशन बैक दूंगा, ठीक है। तो सभी लोग क्या कीजिए, जल्दी से ऐसा सेम एडिटिंग कीजिए जो कि आपको मैं सबसे आसानी से बता दिया हूँ कि इस तरह बनाया जाता है फोटो को। तो चलिए लोग हमने ये मिले जाए दूसरा वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर। एंड आप लोग भी बहुत दुनिया में अपना बल्कि दुनिया